तो गाइज ये अपनी गाड़ी यहाँ पर धुल रही है शोरूम पर, फिर अपन चलने वाले हैं पहाड़ों में। और पहाड़ों में इस पर दो बंदे बैठकर चढ़ पाती है या नहीं चढ़ पाती है, आपको हॉनेस्ट रिव्यू यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा, आपको सारी जानकारी मिलेगी पहाड़ों पर दोस्तों ये कैसी चढ़ती है। काफ़ी अच्छे अच्छे पहाड़ है दोस्तों, वीडियो देखना मत भूलना, आपको खुद को लगेगा कि हीरो ऑप्टिमा काफ़ी अच्छी है, पहाड़ों में भी आराम से चढ़ जाती है। बस आप इसे थोड़ा सा लिहाज से चलाओगे, थोड़ा अच्छे से चलाओगे तो ये काफ़ी अच्छे से आपका दोस्तों साथ देगी और आप पहाड़ों में काफ़ी अच्छा एंजॉय कर पाओगे। तो चलते हैं पहाड़ों पर और देखते हैं ये कैसा रिव्यू देती है। दो जने बैठ के अपन यहाँ पर गाड़ी चढ़ा दी है, देख सकते हो आप हाइट कितनी थी। अब अपन नीचे उतार रहे हैं गाड़ी, हाइट दिखा दो नीचे। चलो चलो चलो। तो गाइस जैसा कि आपने देखा दो जनों को आराम से ऊपर चढ़ा दी, चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आई, बस इसमें बैटरी का इशू आता है। और बैटरी का भी दोस्तों ये इशू आता है कि जैसे ही अपन चलाते हैं स्कूटर, तो स्कूटर जैसे ही वो लोड पे चढ़ता है, जैसे चढ़ाई पर चढ़ता है, फिर उसमें पावर खींचने लग जाती है बैटरी, तो उसमें बैटरी कम दिखाने लग जाता है। बाकी आराम से धीरे धीरे चढ़ जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दो जनों को बिठा के आप आराम से ऊपर चढ़ा सकते हो, लेकिन अगर आपकी बैटरी कम है तो पावर ज़्यादा खाएगी, और पावर ज़्यादा खाएगी तो आपकी बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, फिर आपको धक्का भी लगाना पड़ सकता है। और कई कई जगह आपको लगेगा कि बिल्कुल पावर ही नहीं है स्कूटर में, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। लेकिन धीरे धीरे आप आराम से अगर धीरे धीरे इसका एक्सीलेटर खींचोगे यानी कि रेस खींचोगे तो आराम से चढ़ जाएगी, चढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इससे अच्छी खासी चढ़ाई तो आपको कहीं देखने को ही नहीं मिलेगी, काफ़ी अच्छी चढ़ाई थी यहाँ पर, कम से कम 6-7 किलोमीटर के ऊपर चढ़ाई थी। आपको हाइट भी दिखा दी है, ऐसी चढ़ाई आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। सबसे अच्छा टेस्ट है यहाँ पर किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर को चढ़ाने का, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्कूटर चढ़ गया यानी कि वो कहीं भी चढ़ जाएगा। आप देख सकते हो काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ है यहाँ पर, तो आराम से चढ़ गया था। बस कहीं कहीं थोड़ी सी दिक्कत आई और थोड़ी बैटरी की दिक्कत आई, क्योंकि सिंगल बैटरी है। और दोस्तों यहाँ पर जैसे ही अपन फुल चार्ज करके भी लेके आते हैं तो भी यहाँ पर ऊपर चढ़ाते हैं तो उस टाइम पावर काफ़ी कम दिखाती है, और ये डर रहता है कि आपकी बैटरी कहीं ख़त्म ना हो जाए, कहीं धक्का ना लगाना पड़ जाए, तो आपको थोड़ा ये इशू रहता है। बाकी जैसे टर्न वगैरह है तो आराम से यहाँ पर चढ़ जाती है, भले कितनी भी चढ़ाई हो, धीरे धीरे अगर आप एक्सीलेटर खींचोगे तो आराम से ये चढ़ जाएगी। आप हाइट देख सकते हो यहाँ पर, मैं आपको हाइट भी दिखा देता हूँ कितने ज़्यादा ऊपर यहाँ पर आ गए, कम से कम 5-6 किलोमीटर ऐसी ही चढ़ाई है। और काफ़ी अच्छे बड़े बड़े टर्न है यहाँ पर, तो हमने काफ़ी इन्जॉय किया। और हम घूमने फिरने के हिसाब से आए थे तो हमने यहाँ पर मैगी बनाने का प्लान सोचा था, तो वो भी हमने यहाँ पर बनाई है, आपको लास्ट में क्लिप देखने को मिल जाएगी। काफ़ी इन्जॉय किया हीरो ऑप्टिमा HX के साथ, तो आप भी इसे खरीद सकते हो और इसी तरीके से पहाड़ों में आप इन्जॉय कर सकते हो। Battery is low.